जनपद रुद्रप्रयाग के भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चे की अध्यक्ष सविता भंडारी के नेतृत्व में सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि सुषमा स्वराज की याद में सबसे पहले मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नोटियाल, जिला प्रभारी ऋषि कंडवाल और विधायक भरत सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि सुषमा स्वराज के उच्च विचारों और पार्टी के लिए समर्पण की भावना से देश ही नहीं विदेशों में भी उन्हें जाना जाता था। उन्होंने सभी महिला कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का कार्य करा है। साथ ही अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नोटियाल, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष महावीर पवार, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सविता भंडारी ने भी अपने विचारों को रखा। इस अवसर पर जिले से बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम में मौजूद रही। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेकी की रिपोर्ट। पार्टी महिला मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि अभी तो पूरे देश के अंदर देश की मूर्धन्य नेत्री रही, सर्वश्रेष्ठ सांसद, विदेश मंत्री जिनका दायित्व रहा, ऐसी सर्वमान्य नेत्री के को ध्यान में रखते हुए, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में विभिन्न प्रतिभाओं की धनी जो बहनें हैं उनको सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी जनपदों के अंदर हो रहा है। अनेकों प्रतिभाएं जनपदों के अंदर है। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते उन प्रतिभाओं को समाज में स्थान मिले, ये भी राजनीतिक दृष्टि हमारा एक उत्तरदायित्व है। हमने इस बार नई थीम पे हमारी देश की और पूरे विश्व की जानी मानी नेता दीदी सुषमा स्वराज के नाम से सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और सम्मानित उन बहनों को किया जा रहा है जो अपने अपने जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट काम करती हैं, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में है, चाहे वो सोशल वर्कर हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, पत्रकारिता क्षेत्र में है। जो विशिष्ट कार्य हमारी बहनें कर रही हैं उन बहनों को हम ये सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। और आज यहाँ पर रुद्रप्रयाग में हमारी काफ़ी बहनों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सुषमा स्वराज जी जो कि सबकी आदरणीय और प्रेरणा आदर्श रही है, देश हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी उनको आदर्श और प्रेरणा के रूप में जानी जाती है। ऐसी शख्सियत की आज हमें श्रद्धांजलि के साथ साथ हमें उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और हमारी महिलाओं में बहुत ही भव्य तरीके से हमारी महिलाएं इसका स्वागत अभिनंदन किया है। इस कार्यक्रम हमारे प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार हमें यह कार्यक्रम करना था। हमारी